नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। टिकरी बॉर्डर से हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहां पर किसान इस खुले वातावरण में बैठकर अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। दरअसल आपने लंगर भोजन से लेकर वस्त्र से लेकर तमाम लंगर के बारे में सुना होगा, मगर इस किसान आंदोलन में मेडिसिन का लंगर भी लगाया गया है। दरअसल आपको तस्वीरें दिखाते हैं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर की तरफ से भी यहाँ पर किसानों के लिए उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए मेडिकल की तमाम फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। लगातार श्री गुरु रामदास जी चैरिटेबल हॉस्पिटल अमृतसर की तरफ से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, और क्योंकि सर्दी का मौसम है और यहाँ पर किसान है वो उम्र के लिहाज से बुजुर्ग किसानों से लेकर नौजवान भी यहाँ पर लगातार पिछले एक महीने से यहाँ पर डटे हैं, और इसी कड़ी में अब यहाँ पर दवाइयों का लंगर भी लगाया गया। यहाँ पर हर तरह की दवाइयाँ हैं, चाहे आपको एलर्जी की दिक्कत हो, बुखार की, किसी तरीके का दर्द हो, तमाम यहाँ पर मेडिसिन है वो यहाँ पर बिल्कुल निशुल्क तरीके से किसानों को मुहैया करवाई जा रही है। और बहुत बड़ी बात है, दुनिया का एक पहला ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है इतने पीसफुल तरीके के साथ, इतने भाईचारे के साथ। मुझे लगता है यहाँ से दुनिया को सीखने की ज़रूरत है, ना सिर्फ ये किसानों का आंदोलन है बल्कि दुनिया को एक ऐसा सबक, एक ऐसी सीख दे रहा है जिसके लिए आने वाले इतिहास में से याद रखा जाएगा। हम कोशिश करते हैं कमेटी के तमाम लोगों से बातचीत करने की, उन्होंने किस तरीके के इंतजाम किए हैं। डॉक्टर साहब, कितने दिनों से आप यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं और किस किस तरीके की दवाइयाँ यहाँ? 15 तारीख से यहाँ पे लंगर चल रहा है लगातार दवाइयों का, और बेसिक मेडिसिन सारी हैं। उसके अलावा एम्बुलेंस 24 घंटे यहाँ पे स्टैंड बाई है, कोई भी सीरियस हो या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए एम्बुलेंस जो है वो 24 घंटे, एम्बुलेंस में पूरा इंतज़ाम है हर चीज़ का। सर, किसान सर्दी का मौसम है, किस तरीके से ज़्यादातर आपके पास केसेस आते हैं, बुखार? ज़्यादातर सर्दी वाले और पेट खराब और एलर्जी वगैरह, वो पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं इस टाइम भी। क्या सर एडवाइस करते हैं आप तमाम किसानों के लिए सर्दी में, वो भी अपना? मैं सिर्फ दो चीज़ों के लिए एडवाइस करूंगा कि एक तो सर्दी में अपना ख्याल रखें, बुजुर्ग आदमी है, दूसरा खाने पीने में बदपरहेजी बिल्कुल नहीं करें। बाहर आते हैं, पानी का, खाने का ऊंच नीच हो जाता है, अपनी सेहत के लिए बहुत बहुत ख्याल रखना जरूरी है। सर, आप भी क्या बताएंगे कमेटी की तरफ से तमाम जो इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके की सेवाएँ लोगों को? यहाँ लंगर भी लगाए गए हैं, श्रोमणी कमेटी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर वालों लंगर लगाए गए हैं, रैश का भी इंतजाम करा हुआ है, तो बिस्तरे भी जो भी ट्राली पर कोई भी इंसान आता है, कोई भी अपना कितने भी आता है, गद्दे हरजाइयाँ कंबल उन्होंने दिते जाते हैं, ठीक है। कोई भी उधर भी अपने चार टेंट लगाए गए हैं इस लेंस च श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर वालों, तो एम्बुलेंस भी 24 घंटे हाजिर है, तो बिस्तरे रहन रैश का पूरा इंतजाम किया गया है इतने जी। तो निश्चित तौर पर हमने आपको दिखाई एक तस्वीर, हम आपको एम्बुलेंस की भी दिखाते हैं जो श्री दरबार साहिब की तरफ से यहाँ पर किसानों के लिए मुहैया करवाएगी। 24 घंटे यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा है ताकि कोई भी अनहोनी होती है, कोई सीरियस केस ऐसा होता है, किसी किसान के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो उसे यहाँ के नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुँचाया जा सके, और मालिक की दया से ऐसी कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आती है क्योंकि किसान के साथ तो उसका ऊपर वाला खड़ा है। यहाँ पर किसी सरकारों की छत्र छाया की जरूरत नहीं है बल्कि किसान के साथ तो खुद परमात्मा खड़ा है। और आप देखेंगे यहाँ पर पानी की तरह दूध सरेआम मिलता है आपको, आप किसी भी आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं आती है, लंगर से लेकर वो तमाम हाईटेक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है जो किसानों ने अपने आप की हैं, किसी से मोहताज नहीं हुए हैं किसान किसी भी चीज़ को लेकर कि प्रशासन से कुछ मांगना पड़ा हो, सरकार से कुछ मांगना पड़ा हो या फिर लोगों को तंग किसी तरीके से करना पड़ा हो, बल्कि यहाँ तो आसपास के वो गरीबों को भी सहारा मिल रहा है, उन बच्चों को जो बेरोजगार लोग हैं वो भी यहाँ से लंगर ग्रहण करते हैं, और तमाम ऐसे वीडियोस आप तक पहुँचे होंगे कि तो वो बच्चे ऐसे कहते मिले कि किसान अंकल हैं जब यहाँ से चले जाएंगे तो हमारा दिल कैसे लगेगा। तमाम बातें हैं, दुनिया में ऐसा एक अनोखा सच, एक ऐसी दुनिया आपको टिकरी बॉर्डर पर आकर देखने को मिलेगी। आप ज़रूर आइएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आना भी आपका सबसे बड़ा एक कर्म होगा जो कि किसानों के बीच में आकर आप उनकी आवाज़ को बुलंद करें। निश्चित तौर पर अब केंद्र की सरकार बेहद दबाव में और किसानों की मांग तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने को लेकर है। टेकरी बॉर्डर से कैमरा पर्सन जस्सी के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।